अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल अहमद टीवी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग शॉर्ट फीड के अंदर मिसाल के तौर पर जिस तरीके की आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो देखी हैं, अगर उस फॉर्म के अंदर अगर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो क्या ये जो वॉचिंग टाइम होगा, यानी कि अगर आप लोगों की वीडियोज़ के ऊपर जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं उसके बाद 300-400 बंदे जो है एक वक्त में देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या आपका वॉच टाइम काउंट होगा मोनेटाइजेशन के लिए या नहीं होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग शॉर्ट्स फीड के अंदर अगर आप लोग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो कि तकरीबन हर वक्त जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे होते हैं, यानी कि जिससे मैं सबसे बड़ी मिसाल आपके न्यूज़ चैनल की है कि न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा 24 आवर्स की जो है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अगर आप लोग जो है वो शॉर्ट्स फीड के अंदर अपने यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप लोग 1 घंटे की करते हैं, 24 घंटे की करते हैं, 22-23 घंटे की करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या आपके YouTube चैनल के ऊपर उसका वॉचिंग टाइम जो है वो काउंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो किस सूरत में नहीं होगा। देखिए, अगर आप लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ऐसी सूरत में जब आप लोग लाइव स्ट्रीम पर जा रहे होंगे, मिसाल के तौर पर आप लोग अभी YouTube चैनल के ऊपर लाइव हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपका जो YouTube चैनल के ऊपर लाइव आ रहे होंगे लोग और आप कमेंट्स कर रहे होंगे, वो उन तमाम देखने वालों का जो वॉचिंग टाइम है वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है कि इनका तो वॉचिंग टाइम काउंट नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि हमारी वीडियोज़ का कब काउंट होगा, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप लोग 2 या 3 घंटे रोज़ाना की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गेमिंग चैनल जो है वो लाइव स्ट्रीम आ रहे थे, तो देखें जब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर चुके हैं ना, यानी कि अब इसका मैं आपको बता दूं कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आपका वॉचिंग टाइम कब काउंट होगा, तो उसका ये तरीका जो यूट्यूब की पॉलिसी है वो ये बताती है कि जब आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे शॉर्ट फीड के अंदर, ठीक है, वर्टिकल के अंदर, जब आप लोग कर लेंगे अपनी वीडियो को VOD कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों ने एंडलिस्टेड नहीं करना उसको, आप लोगों ने VOD करना और इसके बाद क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि आपकी वीडियो जो वो पब्लिक होनी चाहिए, जब आप लोगों की वीडियो पब्लिक होगी और लाइव स्ट्रीमिंग की एक मुकम्मल वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद होगी, उसके बाद जो आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएंगे, मिसाल के तौर पर आप लोगों की जब आप लोग लाइव थे तो उस वक्त जो है तकरीबन 300-400 बंदा आपको देख रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म कर दी और उसके बाद आप लोगों ने अपनी वीडियो को सेव कर दिया, अब वो वीडियो जो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगर कोई आपकी वीडियो देखता है, मिसाल के तौर पर जितने भी लोग आएंगे, 1 देखते हैं या 10 देखते हैं या 100 या 150 देखते हैं, तो उसका तमाम का वॉचिंग टाइम जो है वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर काउंट होगा और आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने में मदद करेगा आपकी, ठीक है। अब मैं दूसरी बात बता दूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी जो वीडियो होती है वो VOD नहीं होती। जब VOD नहीं होती तो ऐसी सूरत में आपका वॉचिंग टाइम जो वो कभी भी काउंट नहीं होता। अब मैं दूसरी आप लोगों को बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा लोग, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसका टाइटल एक ही दे देते हैं, वीडियो तो अलग अलग होती है, जाहिर सी बात है कि हम लोग 100 लाइव स्ट्रीम करेंगे तो उसके अंदर तमाम चीज़ें डिफरेंट ही होंगी, अलग ही होंगी, लेकिन लोग क्या करते हैं उन तमाम का टाइटल जो है एक दे देते हैं। जब हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज के लिए जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो क्लेम लगता है वो इस चीज़ का लगता है कि हमारे ऊपर रिपीट कॉन्टेंट या रिपीटेटिव कॉन्टेंट का क्लेम लगता है। ये ऐसी सूरत में होता है जब आप लोग एक चीज़ को बार बार दोहराएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की वीडियो भी दूसरी है तो जाहिर सी बात है आप लोग, यानी कि अगर उसी फॉर्म की एक उसी की तरह आप लोग दूसरी वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट रखना होगा दूसरी बनिस्बत दूसरी जो है वीडियोज़ से, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब बात यह कि आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिनके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही होती है लेकिन मुस्तकिल तौर पर जो उनके जो टाइटल है वो एक ही जैसे बार बार जो है वो अपलोड किए जा रहे होते हैं, यानी कि टाइटल जो वो बार बार एक ही जैसे लिखे जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर रिपीट कॉन्टेंट का मसला आता है और हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के ऊपर फंसता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करने या तो आप लोग एक ही जैसी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं तो आप लोगों ने कम से कम टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ ना कुछ जो आप लोगों ने ज़रूर चेंज करना ताकि यूट्यूब की तरफ से कोई भी मसला रिपीट कॉन्टेंट का आपको ना देखने का मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।